वाराणसी में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाने के लिए लूट मचा दी। जिस हॉल में खाना मिल रहा था वहां पैर रखने की जगह नहीं थी और अव्यवस्था से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने इसे कवर करने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने उनसे गुंडई की। चाल, चेहरा और चरित्र की बात करने वाली बीजेपी के वाराणसी में हुए कार्यक्रम में वो सब हुआ जो कहीं से भी उचित नहीं था। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और लूट मचा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं उन कार्यकर्ताओं की भाषा जो वहां मौजूद थे। हमें खुद नहीं मालूम क्या नाम है, क्या किसके यहाँ है, किस कार्यक्रम में यहाँ क्या नाम है आपका, नाम क्या है, आप मीडिया के अंदर क्या नाम है आपका, हम ये नहीं कहे, हमने क्या भाई साहब पूछा, मैं आपको कोई भी गलत काम कोई शब्द नहीं बोला, मैं आपको बोला हूँ भाई साहब छोड़िए जाने दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, बस इतना बोले हैं, क्या कर रहे हैं आप। ये हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जिनसे सवाल पूछा गया तो ये अनाप शनाप बकने लगे, फिर सफाई देने लगे। अब आप देखिए एक कार्यकर्ता अशोक को जो मीडिया कर्मियों से कवरेज के दौरान उलझने लगे और उनके साथ दूसरे लोग भी उलझने की कोशिश करने लगे। आपकी क्या समस्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप इधर आइए, उनको उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, सवाल कीजिए, बात कार्यक्रम में व्यस्त है, कुछ नहीं हम जवाब, हमारे मंत्री बात करेंगे, क्या हुआ वही एक मिनट भैया, अशोक भैया अशोक पूछ ले, अशोक यादव बात कर ले, भैया अशोक यादव बात कर ले, अशोक भैया नहीं इस समय देखिए कोई वो ये बताइए, नहीं इस समय देखिए अशोक जी ये बताइए ये किस तरह का हुआ, वो आ गया क्यों, आखिर ये सब हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ है, अपने दो मीडिया कर्मी बंधु अनावश्यक रूप से गरमाने लगे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे और इसी कारण से ये थोड़ी दिक्कत हुई है, बाकी हमने अपने कार्यकर्ताओं को शांत करा लिया के पैकेट को लेके बवाल हुआ और यहाँ पे लूट जैसी कुर्सी तक लूट दी गई। ये मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया गया, हमारे एक मिनट हमारे शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, हमारे शांत रहिए भाई, वहीं अव्यवस्था का आलम यह था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए वॉलंटियर खाना लेने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। टिप्स दिया गया जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसके लिए भी हिदायत दी गई, हिदायत नहीं दी गई है बट हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है, यहाँ खाना आप लोगों ने खाया, उन्होंने खुद जाते हुए अनाउंस किया था खाना, नहीं हम लोग जैसे घर से निकले थे तो हम लोग को बताया गया था कि लेट से आएंगे तो खाना खा लेंगे, तो हम लोग खा के आए थे और यहाँ पे हम लोग लेने का प्रयास ही नहीं किए, अब जाएंगे तो हम लोग खा लेंगे स्वयं से। खाने को लेके बहुत लूट जैसी स्थिति थी, इस वजह से आप लोग नहीं नहीं हमने तो एक्चुअली हमने प्रयास नहीं किया लेने का। पूरे मामले पर बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी का कहना है कि भीड़ अधिक थी और काउंटर कम, इससे ये भगदड़ मची, लेकिन कैमरे में कैद अव्यवस्था के मुद्दे पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। खुद अपने व्यवस्था से यहाँ आते आने की बात की, लेकिन अमित शाह ने जाते जाते खुद कहा कि लंच जो लोग यहाँ खाना खा के जाएंगे, एक लूट जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई, उस मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी की गई जब वो उस चीज़ को कैमरे में फिल्माना चाह रहे थे। नहीं, केवल यहाँ इतनी व्यवस्था थी कि शाम को चूंकि लोग दूर से आए हैं एक फूड पैकेट दिया गया है, चूंकि 4000 लोग एक साथ छूटे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सब वर्कर नहीं हैं, सोशल मीडिया के वॉलेंटियर्स हैं, तो लाइन लगाने में चूंकि काउंटर 20 काउंटर हैं, 4000 लोग हैं एक साथ, कौन नहीं, हम ही लोग किसी कार्यक्रम में रहते हैं, भीड़ होती है, चाहते हैं हमको पैकेट मिले जल्दी, हम अपना ट्रेन पकड़ें जल्दी, अपने साधन से जाए, तो थोड़ा लेकिन
पुनः तुरंत जो है कि पार्टी के लोग लगे उसको लाइनअप कराए और सबको सुचारू रूप से बट रहा है, सब लोग फूड पैकेट लेके जाएंगे शाम को। पूरी तरह से गुंडाई की गई है मीडिया कर्मियों को जब वो तस्वीरें नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और अगर कहीं किसी मीडिया कर्मी को कोई ठेस पहुँची है तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं पार्टी की ओर से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जब भीड़ जो है कि फूड पैकेट होगी तो ले करके जाना चाहती है, जल्दी लेना चाहती है, बाद में लाइन लगा और सबको व्यवस्थित रूप से दिया गया। सोशल मीडिया के इस कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया था और कार्यकर्ताओं को क्या बताया गया ये बात भी बाहर लाने से मना कर दिया गया। लेकिन 2019 चुनाव में बीजेपी की कैंपेनिंग सोशल मीडिया से ही होगी ये बात सामने जरूर आई है। जी जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम था और क्या मैसेज देते हुए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मानना है कि जो सोशल मीडिया के संबंध में बातें हैं वो क्लोज डोर बात होनी चाहिए, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस कार्यक्रम में मीडिया को प्रोविटेड किया गया था। लेकिन मोटे तौर पर जो उनका संदेश है वह यह है कि 2019 के इलेक्शन में सोशल मीडिया जिस तरह से 2017 के इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में काम की थी उससे भी अधिक मेहनत से, उतने भी अधिक क्रिएटिव तरीके से काम करें जिससे कि 2019 में पार्टी 51% वोट प्रदेश में ले और कोई भी गठबंधन हो वो गठबंधन फेल हो जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी 51% वोट लोकसभा में लेगी। और उनका उन्होंने आह्वान किया कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 73 सीट के बजाय 74 सीट हो सकती है लेकिन 72 सीट नहीं होगी। इतना सोशल मीडिया को काम करना है, इतना सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को परिश्रम करना है। जाहिर तौर पर इतने खाने की बेकदरी और लूटपाट के बाद कई सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को भूखे ही लौटना पड़ा। हालांकि वे लाख बहाने करते रहे कि उनको खाने के पैकेट की जरूरत नहीं थी। दिग्गजों के चले जाने के बाद मीडिया की मौजूदगी और उनके द्वारा बीजेपी के नए चेहरे को दिखाने की वजह से भाजपा का दामन थामे लोग तिल मिला गए और अपना आपा खो बैठे। शायद बीजेपी को अपनी चाल, चरित्र और चेहरा वाली लाइन बदल लेनी चाहिए। वाराणसी से विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी।